नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। खुद का डेब्यू हुआ सुपरहिट तो जानवी कपूर ने सारा के लिए कह डाली ये बड़ी बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली सारा अली खान के लिए क्या बोल गई हैं? तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जानवी कपूर ने सारा अली खान के डेब्यू पर क्या बोला है। As you know, 20 जुलाई को जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। ट्रेड पंडितों की माने तो कहा जा सकता है कि जानवी कपूर ने फिल्म धड़क से सफल डेब्यू किया है। इसके बाद अब हर किसी की निगाहें सारा अली खान के डेब्यू पर टिकी हुई है। वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ से बॉलीवुड में पहला कदम रखेंगी, क्योंकि सारा और जानवी दोनों ही नई हैं और दोनों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इस कारण हर कोई इन दोनों को कॉम्पिटिटर बता रहा है। हालांकि जानवी कपूर ऐसा नहीं मानती। अकॉर्डिंग टू जानवी, वो सारा को मानती हैं अपना अच्छा दोस्त। और जानवी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक दूसरे को हराने के बारे में हम नहीं सोचते, ये काम तो मीडिया करती है। इसी के साथ जानवी ने ये भी खुलासा किया कि दर्शकों की तरह सारा ने भी उन्हें ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया था। यहाँ तक कि जानवी की माने तो वो भी सारा अली खान को 70mm पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। जानवी का कहना है कि सारा एक खूबसूरत और जिंदा दिल इंसान है। इसी के साथ जानवी ने ये भी कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि सारा की डेब्यू फिल्म केदारनाथ भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।